Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो के साथ मैं हूँ रुकसा शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। कोरोना मजीद मुंहज़ोर हो गया, गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 40 अमवात हो गई, जबकि एक ही दिन में 3097 नए केसों की तशखीस हुई है। नैब सियासतदान को दबाने का जरिया है, ब्रॉड शीट को नवाज शरीफ के खिलाफ कुछ नहीं मिला। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, नैब को किसने इख्तियार दिया, अवाम का 7 अरब एक कंपनी के हवाले कर दे। जमात इस्लामी कराची का कल से धरने देने का ऐलान, हाफिज नईमुल रहमान कहते हैं कराची की आबादी 3 करोड़ है, उसे दुरुस्त गिना जाए। कराची पैकेज का शहरियों को कोई फायदा नहीं हुआ। 16 जनवरी से पेट्रोल की कीमत में भारी इजाफे की सिफारिश कर दी गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का हतमी फैसला वजारत खजाना वजीर आजम की मुशावरत से करेगी। बोलने और सुनने से महरूम 15 साल सना ने स्क्वाश में झंडे गाड़ दिए। सना बहादुर ने बैन अलाक़वामी मुकाबलों में भी हिस्सा लेने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। Greenish hand sanitizer, Ala Green quality, 75% food grade alcohol, non-sticky और non-oily formula. आज ही अपनी करीबी फार्मेसी से खरीदें या हमारी वेबसाइट पर ऑर्डर करें www.greenish.com। कनाडा में आपके पास डॉक्टर और लॉयर होना बहुत जरूरी है। हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसा नाम जो है रिलायबल, ट्रस्टवर्दी एंड ऑनेस्ट। लॉ फर्म ऑफ शिखा शारदा, 905-956-6699। फॉर फैमिली लॉ, रियल एस्टेट, विल्स और किसी भी तरह के एफिडेविट या पैरा लीगल प्रॉब्लम्स के लिए लॉ फर्म ऑफ शिखा शारदा, 905-956-6699। पहली कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री है। कॉल लॉयर शिखा शारदा, 905-956-6699। कोरोना वायरस से 46 अफराद जान बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 10,818 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 5,11,921 हो गई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 3097 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 1,97,292, सिंध में 2,30,718, खैबर पख्तूनख्वा में 62,377, बलोचिस्तान में 18,488, गिलगित बल्तिस्तान में 4,882, इस्लामाबाद में 39,624, जबकि आज़ाद कश्मीर में 8,540 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 72,45,650 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 41,574 नए टेस्ट किए गए। अब तक 4,67,234 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं, जबकि 210 मरीजों की हालत तश्वीशनाक है। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 46 अफराद जा बहक हुए, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 10,818 हो गई। पंजाब में 4,348, सिंध में 3,744, खैबर पख्तूनख्वा में 1,752, इस्लामाबाद में 449, बलोचिस्तान में 188, गिलगित बल्तिस्तान में 101 और आज़ाद कश्मीर में 236 मरीज जान से हाथ धो बैठे। साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसलों में लिखा नैब सियासी इंजीनियरिंग का इदारा है, जिन लोगों ने मुल्क की दौलत लूटी उन्हें NRO दिया गया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि नैब सियासतदान को दबाने का जरिया है। नैब दूसरों को कचहरे में खड़ा करता है, आज खुद खड़ा है। ब्रॉड शीट को नवाज शरीफ के खिलाफ कुछ नहीं मिला। ज़राए बलाग़-ए-आमा के नुमाइंदों से गुफ्तगू में उनका मजीद कहना था कि नैब को किसने इख्तियार दिया, आवाम का 7 अरब एक कंपनी के हवाले कर दे। बरतानवी अदालत का फैसला पब्लिक क्यों नहीं किया जाता, आला अदलिया इस मामले पर अस्खुद नोटिस ले। सुप्रीम कोर्ट ने फैसलों में लिखा नैब सियासी इंजीनियरिंग का इदारा है,
जिन लोगों ने मुल्की दौलत लूटी उन्हें NRO दिया गया, जिनके खिलाफ कुछ न मिला उन्हें नैब अदालतों में घसीट रहा है। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि मूडीज की क्रेडिट देने की रिपोर्ट हर हफ्ते बनती है, मूडीज की रिपोर्ट शादियाने बजाने के लिए बनती है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान स्टील गुज़िश्ता 30 साल से निजकारी के दहाने पर है, पाकिस्तान स्टील के मुलाज़मीन का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। स्टील मिल जो है ये पिछले 30 साल से निजकारी की लिस्ट पर है, 1990 में शामिल हुआ था। स्टील मिल जो है उसके मुलाज़मीन का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुल रहमान ने कल से शहर भर में धरने देने का ऐलान करते हुए कहा है कि सिंध की हुक्मरान जमात पीपल्स पार्टी और MQM कराची दुश्मनी का सबूत पेश कर रही है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। इदारा नूर हक कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुल रहमान का कहना था कि पीपल्स पार्टी और MQM कराची दुश्मनी का सबूत दे रही हैं। PSP के लोग चाइना कटिंग में मुलविस रहे हैं, जबकि पीपल्स पार्टी कराची को सूबे का हिस्सा ही नहीं समझती, न मुलाजमतें दी जा रही हैं और न इदारे ठीक किए जा रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची ने मुतालबा किया कि कराची की आबादी 3 करोड़ है, इसे दुरुस्त गिना जाए। हाफिज नईमुल रहमान ने वाज़ेह किया कि कल से तहरीक हुकूक कराची के तहत एहतजाज का आगाज किया जा रहा है। कल नर्सरी स्टॉप पर धरना होगा, 16 जनवरी को 5-स्टार चौरंगी, 17 जनवरी को अलादीन पार्क, 30 जनवरी को करीमाबाद, जबकि 28 जनवरी को शहर के 50 के करीब मकाम पर धरने दिए जाएंगे। ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की सिफारिश कर दी। 16 जनवरी से पेट्रोलियम मसनूआत मजीद महंगी हो सकती हैं, जिसकी सिफारिशात ओगरा ने पेट्रोलियम डिवीजन को भेज दी है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की सिफारिश कर दी। ज़राए के मुताबिक 16 जनवरी से पेट्रोलियम मसनूआत मजीद महंगी हो सकती हैं, जिसकी सिफारिशात ओगरा ने पेट्रोलियम डिवीजन को भेजती हैं। ज़राए का कहना है कि ओगरा की सिफारिशात के तहत पेट्रोल 11.95 रुपये और डीजल भी 9.57 रुपये फी लीटर तक महंगा हो सकता है। ज़राए के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तायुन 30 रुपये फी लीटर लीवी के हिसाब से किया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का हतमी फैसला वजारत खजाना वज़ीर आज़म की मशावरत से करेगी। कौमी स्क्वाश चैंपियन सना बहादुर का कहना है कि कौमी सतह पर कामयाबी के बाद वो बैनल अक्वामी मुकाबलों में भी आगे बढ़कर अपने मुल्क का नाम रोशन करना चाहती हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। 15 साल सना बहादुर जो कुव्वत गोयाई और कुव्वत समात की सलाहियत से महरूम है, लेकिन स्क्वाश में उन्होंने कामयाबी के झंडे गाड़ दिए हैं। स्क्वाश की दुनिया में हाशिम खान से जान शेर खान तक कई ऐसे हीरोज़ गुजरे हैं जिन्होंने पाकिस्तान का परचम लहराया। वक्त के साथ साथ ख्वातीन ने भी स्क्वाश में दिलचस्पी ली और अब कई ख्वातीन खिलाड़ी पेशावर के स्क्वाश कोर्ट में खेलती नजर आती हैं। इन खिलाड़ियों में पेशावर से ताल्लुक रखने वाली सना बहादुर शामिल हैं। 15 साल सना बहादुर जो बोलने और सुनने की सलाहियत से महरूम हैं, लेकिन स्क्वाश में उन्होंने कामयाबी के झंडे गाड़ दिए हैं। सना बलोच के साथ उनके भाई सैफुल्ला बहादुर भी अंडर 13 के खिलाड़ी हैं और ये भी बोलने और सुनने की सलाहियत नहीं रखते। दोनों बहन भाई कमर जमान और जान शेर खान की तरह आलमी सतह पर मुल्क का नाम रोशन करने की उम्मीद रखते हैं। सना बहादुर कौमी सतह पर अंडर 15 की चैंपियन हैं। उन्होंने कौमी सतह पर 5 गोल्ड मेडल जीत रखे हैं, अंडर 23 गेम्स में 2, बैन-उल-सूबाई गेम्स और कायदे आजम गेम्स में भी सोने के तमगे जीत चुकी हैं। सना बहादुर के वालिद बहादुर खान का कहना है कि उन्होंने अपने बच्चों को तालीम देने के लिए खसूसी बच्चों के स्कूल में दाखिल कराया और साथ ही कोशिश की कि वो खेल में भी खुद शामिल करें। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी मगर इस ब्रेक के बाद। सब्सक्राइब टैग TV YouTube चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बटन।